हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत ही हेल्दी होगी, बहुत ही स्वस्थ होगे। बारिश हो रही है लगातार 3-4 दिन से कम यहाँ तो हो रही है, तो बीमार मत पड़ जाना, भीख भागना मत, ठीक है? क्योंकि एक बीमार पड़े ना तो ब्रेक लगता है पढ़ाई में 1 हफ्ते का, वो बहुत बड़ा ब्रेक होता है, ठीक? तो आज की जो वीडियो है वो आप देख ही पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, उसका नाम है 100 डेज टू क्लियर प्री एंड 180 डेज टू बी अ पीओ, ठीक है? ये पूरी कहानी बताऊंगा कि बीच के 6 दिन कहाँ गए, ठीक है? बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो अभी आज मई 2 है, ठीक है? मई 2 है आज, इसमें ही क्यों इंपॉर्टेंट है देखना। मैं 2 हफ्ते ने मई जून में भी देख रहा हूँ ना ये वीडियो, जून में जुलाई में, तो आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है? अपना टाइम छोटी छोटी जगह से चुरा चुरा के पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जून में और अगस्त में कितने महीने रह जाएंगे? जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त में पेपर हो जाएगा, 60 दिन के अंदर पेपर हो जाएगा। और सबको पता है अगर 60 दिन दिख रहे हैं तो 60 दिन पढ़ाई नहीं होती ना उसमें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है? और जुलाई में जो दिखेगा उसके लिए तो अभी उठो अभी सवेरा, वो वाला है कि अरे मैंने आँख खोली अरे पेपर आ गया, ऐसा हिसाब हो जाएगा, ठीक है? और IBPS है ये, तो जो बोलेगा वो करेगा, कैलेंडर दे चुका है पहले ही, कैलेंडर के हिसाब से जो पहला प्री है ना वो कब है? अगस्त को है, कब? 5 अगस्त को, ठीक है? और जो आखिरी मेंस है कि अगर बात करें तो SBI कब आएगा, वो आएगा आपका दिसंबर में, उसका क्या होगा? दिसंबर में एग्जाम होगा प्री, ठीक है? तो हमको बिल्कुल लास्ट पे जाकर नहीं तैयारी करनी है, हमको अभी से करनी है कि अभी जो 27 से कम वाले 28 से कम वाले उनके पास बतेरे ऑप्शन होंगे, RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, 6 पेपर होंगे। और जो 28 पार वाले हैं उनके लिए तो करो मरो ही है, 3 ही पेपर आएंगे, IBPS PO, RRB PO, SBI PO। और सबसे पता क्या दिक्कत की बात क्या है, RRB में देखो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, पर UP में और उत्तराखंड के जो डेटा है वो मेरे को याद है। UP में कितनी वैकेंसी आई थी पिछले साल जनरल की, कितनी थी? 54-58 ऐसी कुछ थी, ठीक है? इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, चलो एक सेफ राउंड के लिए ना 60-70 मान लो, 70 थी नहीं, मैं भी बता रहा हूँ आपको, 64-68 कुछ ऐसी थी, 70 मान लो आप जनरल की, ठीक है? RRB PO में, ठीक है? और उत्तराखंड में कितनी थी? 18 ही थी, ठीक है? 20 से कम थी, 18 थी कि 12 थी मुझे याद नहीं है, बट 20 से कम थी। अब देख लो उत्तराखंड में 20 और UP में 70, इतने बड़े UP में 70 वैकेंसी मात्र, तो कितना टफ होने वाला है तो मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करें IBPS PO की, जनरल की वैकेंसी कितनी आएंगी? 3 से 3.5 हज़ार, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 4 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हज़ार। कितने बड़े भारत में, बहुत बड़े भारत है, 140 करोड़ है नाम, वैकेंसीज आएंगी जनरल की, ठीक है? और इसमें भी 3 से 4 हज़ार वैकेंसीज में कुछ बैंक होते हैं जिनके आपने नाम सुने होंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे बैंक हैं 2-4 जो ऑलरेडी लिस्ट में है प्राइवेटाइजेशन की। तो मैं तो सोचता हूँ कि अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप टॉप नोच एग्जाम्स में, आप टॉप नोच बैंक में ही जाने की सोच रहे हो, लाइक PNB, ठीक है? SBI तो चलो बात अलग है, BOB तो वैकेंसी देता ही नहीं है, तो इसको तो अभी से भूल जाओ। तो ऐसे अगर आपको बड़े से बैंक में जानी है जिसके कोलैप्स होने की, प्राइवेटाइजेशन होने की दूर दूर तक संभावना ही नहीं है, कैनरा बैंक, तो आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अगर देखो 28 प्लस वाले हो तो आप पहले से पढ़ते आ रहे होगे, बट अगर नहीं हो रहा है तो शायद कुछ तो कमी रही होगी, या तो आपके एंड से या आपका भाग गया ऐसा है। तो अब सीधे टॉपिक पर आते हैं कि क्या है स्ट्रेटजी, 100 दिन की स्ट्रेटजी प्लस 180 डेज की स्ट्रेटजी, ठीक है? इस पर हम बात करते हैं। देखो स्ट्रेटजी जो भी होती है ना, सबसे पहले आपसे कोई भी कितना बोल ले कि कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं होती है, देखो किसी और एग्जाम का मुझे नहीं पता कि किसी और एग्जाम में पूछते होंगे 2² × 2² की वैल्यू क्या है, बट ये बैंक है, अगर आप प्री निकाल भी लोगे ना बिना कॉन्सेप्ट के तो मेंस में जाके सो गए आप, लिटरली बता रहा हूँ सो गए। क्वांट में देखो रीजनिंग में तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कुछ ना कुछ करते रहोगे, कितना सही करोगे गलत वो अलग बात है, क्वांट में आपको बता रहा हूँ सो गए आप, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो गया ना DI हवा लगेगी नहीं। PO का पेपर है मेंस का, तो जो वो आएंगे ना अरिथमेटिक, इस बार का एग्जांपल ले लो 2.25 कट ऑफ गई है, कितनी कट ऑफ गई है 2.25, किसकी? क्वांट की कट ऑफ गई है। अब लोग कहेंगे इस बार टफ आया था, अगली बार थोड़ी टफ आएगा, देखो एक स्टैंडर्ड होता है हर चीज़ का, अगर वो 2.25 पे ले आया ना कट ऑफ को, तो ये मत सोचना कि इस बार पेपर बहुत ही हल्का आएगा, हद से हद उठ के ये 5 पे चली आएगी, 6 पे चली आएगी, वर्स्ट केस ले लो 9 पे चली आएगी, बट सबके 9 आ रहे होंगे ना, आप कहाँ लाया कर रहे हो? फिर से वही बात, PNB में जाना है, कैनरा में जाना है, तो 9 नंबर ला के होने वाला है क्या कुछ? तो उसके लिए तो कॉन्सेप्ट आने चाहिए ना, और बिना कॉन्सेप्ट के कैसे करोगे? मैं मेंस के क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है? मेरे ख्याल से 14 सेट हो चुके हैं अभी तक जो अपलोड हो चुके हैं, उनमें देख लो ठीक ठाक क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, लॉजिकल क्वेश्चन करवाए मैंने, उसके बिना कैसे करोगे? लॉजिक तभी तो क्रैक करोगे जब आपको बेसिक आते होंगे, कॉन्सेप्ट आते होंगे। तो सीधी सी बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे, अगर बैंक का मेंस निकालना है तो कॉन्सेप्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे रीजनिंग हो चाहे क्वांट हो, ठीक है? इंग्लिश और GMS लेने कहता क्योंकि उसके वो मुझे नहीं आते, ठीक है? GMS क्या है कि आप फिर भी फेस आउट पढ़ लोगे ठीक से,
तो आपके 26, 27, 28, 30 नंबर आ जाएंगे। मैं भी यही करता हूँ। पूरी करंट अफेयर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, मेरे नंबर थे 26 पॉइंट, कैसे करंट अफेयर्स को यूटिलाइज करना है, ये सब मैंने एक वीडियो में बताया है, आप चाहो तो देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी में तो कुछ नहीं होता, सबसे पहले क्या है आपको क्या करना है, आज मई है, मई 2, ठीक, तो आपको पूरी एक लिस्ट बनानी है कि क्वांट में क्या टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में क्या टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में क्या है, करंट अफेयर्स कब से पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स नहीं बनाने करंट अफेयर्स में, वो तो आपको फैसला बना के देगा। देखो क्वांट में क्या है जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले कैलकुलेशन अभी से पढ़ना है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन वो आर्ट है जो एक दिन में नहीं आती, इट टेक्स टाइम। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होगे तो मैं बताने में, मेरे को खुद नहीं पता, मैं अगर किसी को समझाना चाहूँ ना कि बिना मतलब खुद को बिना समझाए कि ऐसे ऐसे बोलना है तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, बट मैं कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि वो डेवलप हो चुकी है ना मेरे अंदर, तो इसलिए मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब कई बार ऐसा आता है कि जैसे 88 है कोई नंबर, 128 है, तो मैं इसमें से इसको नहीं माइनस करता, चलो ये तो आसान लिख दिया मैंने, इसको लिख दो कुछ 7, इसको लिख दो 3, तो मेरे को ये 7 में से 3 या 4, 12, 4 में ये नहीं करता, मेरे दिमाग में कुछ और ही चलता है, वो वीडियोज़ में आपको दिखता भी है, मैं बताता भी हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कला है, ये एक आर्ट है, जिसको चाहिए टाइम, क्या होने में, विकसित होने में, आपकी टिप आने में, इतना कॉन्फिडेंस आने में कि जो मैंने करा है बिना दिमाग लगाए वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए टाइम, वो टाइम कब है, अभी से है। ठीक है, एक वीडियो आ चुकी है इसके ऊपर, बाकी 2-3 वीडियो आएंगी, देख लेना सही लगे तो। ठीक, कैलकुलेशन हो गया, फिर उसके बाद टॉपिक्स कवर करने हैं। टॉपिक्स कैसे कवर करने हैं, देखो अगर आप मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा ना, रेशियो मिलेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्यों ना, तो जो हमको पढ़ना ही है, जो हर चीज़ में हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, तो उस टॉपिक को हम सबसे पहले क्यों ना करें। अब सबसे पहले क्यों करना है, क्योंकि अगर जितने पहले आप कर लोगे उतना ही ज़्यादा उसको अप्लाई कर पाओगे, एप्लीकेशन सीख पाओगे, तो एप्लीकेशन सीखने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, वो टाइम कब है, अभी है। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन को आप सबसे पहले रखो। ब्लड देखो, इस अकेले टॉपिक से देखो कितने क्वेश्चन होते हैं, पूरी लिस्ट बना दूंगा, परसेंटेज में यूज़ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ होता है, डिस्काउंट्स में यूज़ होता है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में यूज़ होता है, पाइप एंड सिस्टम्स में यूज़ होता है, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूज़ होता है, पार्टनरशिप पे यूज़ होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन में यूज़ होता है। ठीक है, और बताओ कि और जानने हैं तो मैं और बता दूंगा। अब मेरे ख्याल से इतने टॉपिक बहुत हैं जिसमें इसका इंपॉर्टेंस पता चल सके। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन बहुत टॉपिक है जो सारे टॉपिक को कवर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है वो है परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज ही क्यों, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन इतने सारे टॉपिक्स को कवर करता है ना, ये रेशियो प्रोपोर्शन, वैसे परसेंटेज भी ना बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है। देखो परसेंटेज का यूज़ आपको कहाँ पर होगा, CISI में होगा। ठीक है, डिस्काउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, चलो ये तो सब परसेंटेज में आ गया। ठीक है, इसको अगर आप ना भी मानो तो ठीक है, CISI हो गया। अब टाइम एंड वर्क में होगा, अब आपका होगा इसमें कैसे, अगर उसने दे दिया कि ये इतने परसेंट ज़्यादा एफिशिएंट है, उतने कम परसेंट है, तो ये 300% मोर एफिशिएंट है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए ना कि 3% मोर और 300% मोर, तो आपको पता होना चाहिए ना 300% मोर एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, 300% एफिशिएंट का क्या मतलब होता है, तो ये तो आपको परसेंटेज से पता चलेगा ना। ठीक है, और भी टॉपिक्स के मैं नाम सीख सकता हूँ, बट कोई फायदा नहीं है, बट इंपॉर्टेंस ये है कि आपको परसेंटेज पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हो गया रेशियो प्रोपोर्शन, मैं लिख देता हूँ नाम, पहला हो गया रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, दूसरा हो गया परसेंटेज। अब परसेंटेज पढ़ लोगे तो उसके साथ में आप क्या पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, चौथा हो जाएगा डिस्काउंट, MP, ठीक है, और आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, डिस्काउंट टाइम भी पढ़ लिया, तो आपके पढ़ोगे साथ में रेशियोस, आपने इतना पढ़ लिया, ठीक, इतना पढ़ने के बाद एथमेटिक पे थोड़ा सा विराम, या आप एक काम सकते हैं कि ये तो पढ़ेंगे साथ में, आप क्या करें एक एक घंटा क्या करें, स्पीड मैथ पे काम करें, स्पीड मैथ्स पे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्या है, आप पहले स्पीड मैथ निपटा लें, स्पीड मैथ्स में क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसकी वीडियो अपनी आ चुकी है, कॉन्सेप्ट वीडियो तो प्रैक्टिस वीडियो दोनों आ चुकी हैं, सीरीज हो गया मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है इसमें, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, ये सब, ये तीन ही चीज़ें बेसिकली जो स्पीड मैथ्स में आती हैं, और PO का पेपर हो कि क्लर्क का पेपर हो, इनका भर के इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये वो टॉपिक हैं जो आपको फॉर श्योर कम टाइम में नंबर देने वाले हैं। देखो क्लर्क में 10 से 15 नंबर की तो सिंप्लीफिकेशन आती है, ठीक है, और 5 सीरीज आती हैं, ठीक, और क्लर्क वाले इतने मेहरबान होते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के साथ में आपको 5 नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दे देंगे। ठीक है, अब देखो, अब PO में क्या होता है, आपके पास 5 या अप्रॉक्सीमेशन या 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों में से एक आएगा। ठीक है, 5 नंबर की सीरीज तो पक्की है, ये तो आनी है, ठीक है, इसका तो कोई विकल्प नहीं है बैंक वालों के पास में। ठीक है, बट इसमें से 5 नंबर की आएगी या 5 नंबर की आएगी, ठीक है, 10 नंबर आपको ये फॉर श्योर किस में देता है, PO मेंस, PO प्री में, और 15 से 20 नंबर ये देता है क्लर्क में।
ठीक है, क्लर्क में 20 ही मान, इसको 15 से 20 नहीं 20 लिखो क्योंकि इसमें मैंने सीरीज काउंट की है, ठीक है 20 नंबर देता है आपको क्लर्क में। अब देखो बचा कितना, 15 नंबर यहाँ बचा, 25 नंबर यहाँ बचा, इसमें DI आ जाएगी और इसमें DI और मिस्टर एली वो आ जाएगा एथमेटिक, ये जो है DI या केसलेट प्लस एथमेटिक है ये, ठीक है। तो इनका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है और हम रोज स्पीड मैथ्स के नाम से शॉर्ट्स डालते हैं, ठीक है, उसमें ये स्पीड मैथ्स और स्पीड रीजनिंग ही होती है। स्पीड रीजनिंग मतलब स्लॉक्स हो गया, इनक्वालिटी हो गया, अल्फान्यूमेरिक हो गया, नंबर सीक्वेंस हो गया, ये सारी चीज़ें तो 20 से 30 सेकंड में हो जानी चाहिए, ये सारी रोज आती हैं अपने शॉर्ट्स में। और एक प्लेलिस्ट और है वो बन नहीं पाई, अभी तक तो नहीं बन पाई क्योंकि हमारे टैबलेट ने समाधि ले ली है, तब समाधि ले ली तो वीडियोज़ भी लेके गया साथ में, मर गया बेचारा। तो सीरीज का नाम है कर ले फटाफट। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये स्पीड वाला है, ठीक है। तो कर ले फटाफट भी रोज आएंगी, कब से मेरे ख्याल से 8 तारीख तक टैबलेट आ जाएगा, संडे को या मंडे को, सुबह को आ गया तो शाम से आपको वीडियो देखने मिल जाएंगी, शाम को आया तो ग्रीन से, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिया, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज का जो स्टार्टिंग है वो किससे है, परसेंटेज कन्वर्शन से, और इतना डिटेल में बताया है मैंने कि आपने एक बार पढ़ा उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। और जो 1/3 का रूल है ना, रूल नहीं है ये, मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा क्या सभी का होगा, बट मेरी वीडियो है तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये आपको खास पढ़ना है, खास देखना है, खास ध्यान देना है। देखो मैंने 3 ही बार बोल दिया, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक, एक बार वो वीडियो देख लेना, फिर परसेंटेज कन्वर्जन बहुत ईजी हो जाएगा। अभी पढ़ना क्यों है, कैलकुलेशन जल्दी होती है, टाइम कम लगता है, और आपको पता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। देखो अभी पढ़ लिया, फिर इसके बाद में आपकी जो मर्जी आप वो पढ़ो, बट मैं उससे पहले कहूँगा आप एवरेज पढ़ो, ठीक है। आपका जो तीसरा टॉपिक है ना, जो मेन टॉपिक है, एवरेज होना चाहिए। पहला कौन सा है, रेशियो प्रोपोर्शन, दूसरा परसेंटेज, तीसरा एवरेज, ठीक है। एवरेज का क्यों, एवरेज में देखो आपका मिक्सचर एलिगेशन पूरा हो जाएगा, एजिस से क्वेश्चन में यूज़ होता है ये एवरेज, रेशियो में, और ये एजिस का जो क्वेश्चन है ना, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन में यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखो डायरेक्ट यूसेज तो इन दो टॉपिक्स में, बट इनडायरेक्ट यूसेज तो हर टॉपिक में, ठीक है। तो आपको एवरेज पढ़ना है, ठीक है, तीसरा हो गया एवरेज। फिर इसके बाद में आपकी जो मर्जी आप वो पढ़ो, उसका कोई वो नहीं है और छोर, बस इतना ध्यान रखना है कि रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, फिर परसेंटेज पढ़ लिया, फिर एवरेज पढ़ लिया, एवरेज के बाद में आप ये मिक्सचर एलिगेशन एजेस पढ़ सकते हैं, फिर अगर आप पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तो वो पढ़ लें, फिर आप पढ़ लें बोट, इसके बाद बोट्स एंड स्ट्रीम्स क्योंकि ये इससे ही मिलना जुला है, ठीक है। फिर आप पढ़ लें क्या, उसके बाद आप पढ़ लेंगे टाइम वर्क, टाइम एंड वर्क, फिर इसके बाद पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक से हैं, ये दोनों टॉपिक एक से हैं, इसलिए मैंने एक साथ बोल दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आप पढ़ सकते हैं मेंसुरेशन, हालांकि बैंक में कम ही आती है बट आती है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के जाओगे क्योंकि इजी टॉपिक है, फॉर्मूला बेस होता है, तो पढ़ ली है। एस बी आई क्लर्क में आया था लास्ट ईयर, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिलेंडर के ऊपर आया था जितना मुझे याद आ रहा, ठीक है। और इस बार भी आया था UPSPO में भी आया था, इस बार भी सिलेंडर था, काट के खोल दिया था उसे, और ठीक है, और लोगों को उसमें समझ में नहीं आया था कि उसमें करना क्या है, आसान क्वेश्चन था, उसमें क्या था ना, सिलेंडर दे रखा था, ठीक है, इसको काट के रोल बना दिया था, ये क्या था शायद, जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, आसान होता है, इसलिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो आपको नहीं पढ़ना। अब आप क्योंकि कैसी बात कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये उतना ही पढ़ना है जितना एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, इसमें यूज़ कर पाओ, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना, पिछले कई साल का एग्जाम पेपर उठा के देख लो, एक क्वेश्चन नहीं है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, उतना ही क्वेश्चन आएगा जितना प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होता है, उतना ही आपको आना चाहिए। अगर आपसे कह दे कि 10 बॉल में से एक बॉल उठानी है तो आपको पता होना चाहिए कि 10C1 आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप वो कह दे कि उसने दो करके दो दो बॉल उठाई है तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा, बस इतना आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, मई चल रहा है, 2 महीने बाद फ्री है, ठीक है। तो आपने अब रीजनिंग का देख लेते हैं, पॉइंट का मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। अभी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक का सीक्वेंस बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कैसे करनी है और कितनी करनी है, मॉक कब देने, ये अभी आगे बताऊंगा सारा। अब देखो बात करते हैं रीजनिंग, रीजनिंग में अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सबसे पहले काम करेंगे एक, क्या, पजल। मेरे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों एक हैं, आदमियों को बक्सों को आदमियों से बदलने से उसका कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाता, ठीक है, दोनों मेरे लिए एक ही हैं, आपके लिए भी एक हो जाएंगे कुछ दिन बाद, ठीक है। तो सबसे पहले आप पजल्स पे और सेटिंग अरेंजमेंट पे काम कीजिए, ठीक है, इसकी वीडियो बना चुका हूँ मैं कॉन्सेप्ट की, और डेली फ्री की पजल आती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, 35 नंबर का रीजनिंग का पेपर होगा, उसमें से आपको आराम से 20 नंबर के 20 से 25 मार्क के पजल देखने मिलेंगे, 15 नंबर को आपको बाकी का सारे टॉपिक्स मिला के, ठीक है। तो जिस टॉपिक का इतना हैवी वेटेज है उसको ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, ठीक है। और मैं इसको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पजल्स को क्या है ना, करने को तो मैं आपको दे दूँ तो 1 घंटे में भी 2 घंटे 3 घंटे लगा पेपर में आप कर ही दोगे घर पर बैठ के, बट आपको 20 मिनट में 2 से 3 पजल्स करनी है, प्लस
10 से 15 नंबर एथमेटिक के स्कोर करना है, तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ होना पड़ेगा, क्विक होना पड़ेगा, अपनी जो रीडिंग स्किल्स हैं उसको बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए देना पड़ता है टाइम। ठीक है, सबसे पहले आप कीजिए पजल्स, ठीक, पजल्स और सिटी अरेंजमेंट, और इसमें भी खास जो चीज़ें बातें ध्यान रखनी है वो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताई है, इसकी थोड़ा सा अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा क्या पूरे बताऊँगा, कि रीडिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कीवर्ड्स नोट करने का जो आपका पैटर्न है वो बहुत शानदार होना चाहिए, कि आपको किसी भी दो कीवर्ड्स के बीच में वो ना हो कन्फ्यूजन कि ये था कि वो था, ठीक है। अब जैसे मेरा है, सिंपल सा है, अगर मुझसे कोई कहता है ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो मैं क्या कहता हूँ, ए लिखता हूँ सेकंड टू द लेफ्ट ये है वो बी ये है। अब कोई कहता है ए ओ बी के बीच में दो जने हैं, तो ले भाई ये देख ए ओ बी के बीच दो जने हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा है, अगर लेफ्ट में बैठा है तो एल होगा, नहीं है कुछ भी तो ये होगा, अगर बोल देगा ए पहले है बी बाद में, तो ले भाई ये देख, ठीक है। तो अपना बना लो, मेरा देख लो, जिसका देखना है उसका देख लो, बट बी वेरी क्लियर कि इसका मतलब यही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पजल्स में, रीडिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नोट छोड़ दिया फिर पूरे क्वेश्चन गलत हो गया, या किसी के बाद आपने कोमा छोड़ दिया तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। अगर ए इज सिटिंग वन प्लेस अबव बी, ठीक है, इसका मतलब, और इसकी जगह आपने पढ़ लिया वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो इन दोनों बड़ा अंतर हो गया, इसका मतलब है ए बी के ऊपर बैठा है, और इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी के बीच में एक जना बैठा है, तो रीडिंग स्किल्स यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, ठीक है। और आपके पास इतना टाइम नहीं होता, क्लर्क हो या कि मेंस हो, कि आप एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो, ठीक, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और मेरे वीडियोज़ देख रहे होगे, जो डेली एक प्री की वीडियो आती है, ठीक है, प्री पजल की, प्री का पजल या सिटी अरेंजमेंट आती है, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ में, ठीक। तो फिर उसके बाद में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको पढ़ना है, सबसे पहले सिलॉगिज्म्स, ये क्यों, क्योंकि ये प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये क्यों, प्री में भी आता है मेंस में भी आता है। ब्लड रिलेशन क्यों, प्री प्लस मेंस दोनों में आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन जो टॉपिक है ना अभी तक के ऊपर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर पेपर में आपको देखने मिलेंगे और अच्छे वेटेज में दिखेंगे। प्री में आएंगे तो 3 मार्क्स के आएंगे कम से कम ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, मेंस में आएंगे तो कम से कम 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। डिस्टेंस डायरेक्शन की बात करूँ तो इसका तो क्या ही कहूँ, 3 क्वेश्चन प्री में, 5 क्वेश्चन मेंस में, 8 क्वेश्चन आते हैं इसके एक टॉपिक से। सिलॉक्स में तो 5+5 कह लो, 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और मेंस में जो इनकी इंपॉर्टेंस है ना वो कई गुना बढ़ जाती है, क्यों, पजल्स तो वहाँ होती नहीं है, हो गई तो अगर आपने कर ली तो वो आपको भाग गया है, वो आपकी मेहनत से कम आपको भाग गया है कि आपने पजल कर ली, ठीक है। तो बचाते क्या है, नंबर कैसे करवाते हैं वहाँ पे, ये सारे टॉपिक्स, सिलॉक्स हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पहले पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में ये खत्म करने के आपको पढ़ना है नंबर एंड अल्फाबेट सीक्वेंस, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो प्री में तो ये कमी देखने मिलता है, बट क्लर्क में इसकी बहुत बड़ी महिमा है, और साथ में ही मेंस में भी देखने मिलता है। हाँ, लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है, बट आसान होता है, ठीक है। आपने शायद देखे होंगे कि एक बड़े से सीरीज लिखी होती है, फिर 3-4 स्टेटमेंट लिखे होते हैं, वो सब इसी के अंदर आते हैं। अब कई बार क्वेश्चन मैट्रिक्स के फॉर्म में भी आते हैं, अगर नंबर लिखे हैं बस उन्हें मैट्रिक्स के अंदर डाल दिया, स्क्वायर के अंदर डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उनका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, चीज तो वही है ना, तो मैं इनको भी नंबर एंड सीक्वेंस अल्फाबेट्स के अंदर काउंट करता हूँ। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको जो पढ़ना है ना वो पढ़ना है चाइनीज कोडिंग। ये पेपर में आती है 5 मार्क्स देकर जाती है, कितनी देर में, 2 से 2.5 मिनट में, ठीक है, क्योंकि 3-4-5 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे, 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3-1 सेंटेंसेस लिखे होंगे अलग से, तो ये जो 3 क्वेश्चन आएंगे ये तो आप 1 मिनट में कर दोगे, जो बाकी के 2 से 2.5 मिनट हैं वो इन 2 क्वेश्चंस के लिए हैं, ठीक है, 1.5 से 2 मिनट जो हैं वो इन वाले क्वेश्चंस के लिए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना क्रिटिकल रीडिंग से डरते हैं, बट क्रिटिकल रीडिंग पढ़ना है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जिससे आपको डरोगे नहीं, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी बड़ी कहानी नहीं होती, बहुत आसान टॉपिक होता है, ठीक है। मैं 1 मिनट में मैंने इसे पूरा बेसिक साथ समझाया, एक शॉर्ट है मेरा, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें आप कॉज एंड इफेक्ट होता है, इफेक्ट ये बहुत आसान होते हैं, ये आपको पढ़ना है। अब जो इसके मुश्किल टॉपिक्स हैं ना, जो लोगों की नज़र में मुश्किल होते हैं, वो होते हैं इन्फ्रेंस, कंक्लूजन्स, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, इसमें भी 2 होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये टॉपिक हैं जो क्रिटिकल रीजनिंग में मुश्किल वाले उसमें गिने जाते हैं, और बट ये तो बहुत ही आसान होते हैं, तो मिनिमम आप इनको तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। और क्रिटिकल रीजनिंग में पढ़ने को कह रहा हूँ 8 से 10 नंबर की आती है, 10 से 12 नंबर की पीओ में, जहाँ एक एक नंबर लाना मुश्किल होता है, वहाँ 8 से 10 से 12 नंबर देकर जाता है केवल एक टॉपिक, जिसका नाम है क्रिटिकल रीजनिंग। और अगर आप अभी से पढ़ना चाहोगे ना, तो आपको ये 2-3 प्रैक्टिस सेट करने के बाद में ये बहुत आसान दिखेगा। वीक एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बताना काफ़ी आसान होता है, कि क्या किस चीज़ को मुश्किल कर रहा है, कौन किस चीज़ को डिफिकल्ट कर रहा है। फिर उसके बाद में आप जैसे जैसे बढ़ोगे, ऊपर जाओगे, मतलब प्रैक्टिस बढ़ाओगे, तो आपको इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन आसान लगने लगेगा,
ठीक है, पहले इन्फ्लुएंस आसान लगेगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन आसान लगेगा, और प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो सबसे मुश्किल टॉपिक है अजम्पशन। ये जरूरत वाला क्यों मैसेज करे जा रहे हैं, ये सबसे जो मुश्किल टॉपिक है रीजनिंग का वो है, क्रिटिकल रीजनिंग का वो है अजम्पशन। ये भी आपको आसान लगने लगेगा, बट ये है कि जितना आपको टाइम देना है उतना आपको टाइम इनको भी देना है, तभी आपको 8 से 10 से 12 नंबर मिलेंगे। अब लोग बोलेंगे कि इसमें टीचर की जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट वो क्वेश्चन जो बना रहा है, आंसर बना रहा है, वो जाते एक सर्टेन पास से रहा है ना, जो सेट ऑफ रूल्स हैं, तो उन्हीं सेट ऑफ रूल्स से आपको भी जाना है। हो सकता है कि 8 से 12 मार्क्स में आपको 8 नंबर 12 नंबर ना मिले, 10 ना मिले, 8 ना मिले, 6 भी मिल गए ना, तो वो बहुत बड़ी कहानी होती है 6 नंबर मेंस में। ठीक है, जहाँ आप बिल्कुल छोड़ के जाते 0, वहाँ से मैं आपको 6 नंबर दिलवा रहा हूँ मिनिमम, तो ये कम बात है। ठीक है, अब देखो रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, आउटपुट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, 5 मार्क्स का आता है। ठीक, 5 मार्क्स का, अगर आप इसको करने का स्मार्ट तरीका समझ जाओगे ना, तो आप इसको कितने देर में कर लोगे। वैसे तो देखो एक नंबर लिखा होगा, एक अल्फ़ाबेट लिखा होगा, फिर नंबर होगा, फिर अल्फ़ाबेट होगा, ऐसे करके 5 नंबर 5 अल्फ़ाबेट होंगे। या तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप पहले पूरा कोडिंग बना लो, ठीक है, फिर इनको करो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप एक इंटेलिजेंस अपने यूज़ करके एक पैटर्न डिकोड कर लो कि कैसे हो रहा है, फिर उस पैटर्न की हेल्प से आप आंसर्स निकालो। तो क्या है ना, आपको ये पूरे जो स्टेप्स हैं ना वो नहीं लिखने पड़ते, तो बट ये इतना कुछ सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा वो भी। ठीक है, तो अगले महीने से ना जून से मैं मेंस का कंटेंट ज़्यादा बड़ा कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जून जुलाई 2 महीने आपको मिलेंगे मेंस के लिए, मतलब तैयारी तो मैं अभी भी करवा रहा हूँ, मतलब अभी वीडियो दे रहा हूँ मेंस की, बट जो मेंस का कंटेंट होगा ना अगले 2 महीने वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और प्रीज़ एडमिट कार्ड आने के बाद से प्री का कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि प्री ना निकला तो फिर मेंस की तैयारी का फ़ायदा क्या। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो हो गया रीजनिंग सेक्शन हो गया पूरा कंप्लीट जो आपको पढ़ना है। अब देखो एक चीज़ जो बची है जो दोनों में कॉमन है, जिसका नाम है डाटा सफिशिएंसी। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे ना ऊपर वही टॉपिक्स का यूज़ करेंगे वो, और 2 से 3 सेंटेंस लिख देंगे। ठीक है, फिर उसमें पूछेंगे कि बताओ केवल एक सेंटेंस से आंसर आ रहा है, कि 2 से आ रहा है, केवल 2 से, कि केवल 3 से आ रहा है, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, किसी किसी नहीं आ रहा। तो हालांकि ये चीज़ें सारी ऊपर पढ़ी हुई होती हैं, बट इनका कॉम्बिनेशन बनाने में ना चूक जाते हैं। ठीक है, तो ये चूक कम हो आपसे। ठीक है, इस पे आपको काम करना है। टॉपिक की तैयारी तो आप ऊपर भी करोगे, बट जो ऑप्शंस का जो सिलेक्शन है ना, कि आइदर 1 से हो रहा है, कि 2 से हो रहा है, किससे हो रहा है, यहाँ पे आप ना चुकें। ठीक है, तो इसकी हमें अलग से प्रैक्टिस करनी है डाटा सफिशिएंसी की। तो ये तो हो गया कि हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, अब हम बात करते हैं कैसे पढ़ना है। देखो ना, देखो अब आपको करना क्या है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त को नहीं गिनना है क्योंकि 4-5 दिन ही है, उसमें कुछ नया नहीं सीख सकते, सीख नहीं सकते मतलब कि मैं किसी की सीखने की इच्छा को या उसकी काबिलियत को वो नहीं कर रहा, कि नकार नहीं रहा, मतलब हमें सीखना नहीं है, हमें वहाँ तक जाना नहीं है, हमें उससे पहले ही, मैं तो बल्कि कहूँगा कि 3rd वीक तक जुलाई की हमको कर लेना जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद हम फुल ऑन रिविज़न करें। ठीक, देखो अभी क्या चल रहा है, मई, आपको GA नहीं पढ़नी इस समय। ठीक है, जिस दिन से आपको नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से GA पढ़नी शुरू कर देना, उस मंथ के Day 1 से। RRB भले ही पूछता है बहुत पुरानी, बट हमको उतनी पुरानी पढ़ोगे तो उसके मल्टीपल रिवीजन भी करोगे, भूलोगे भी, तो उससे हमें बचना है। 3 से 4 महीने की GA पूछता है IBPS PO और SBI PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क। ठीक है, एक RRB महासाब है जो 8-10 महीने की पूछते हैं, तो हमें इतनी एनर्जी इस पर वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, जिस महीने से नोटिफिकेशन आए उस महीने से आप पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, उस जैसे जून के 15th को आ गया तो 1 जून से पढ़ना शुरू कर देना। जुलाई से आ गया, देखो जुलाई में तो आएगा नहीं, जून में आएगा। ठीक है, जुलाई में आएगा तब भी आपको जून से पढ़ना है, क्योंकि अगस्त में पेपर होगा, तो मिनिमम 4 महीने तक और करनी है, जून जुलाई अगस्त, ये तो तीन ही, अगस्त फिर सितंबर में मेंस होगा या अगस्त के लास्ट में होगा, तो आपको 4 महीने तो पढ़ने RRB के लिए। ठीक है, बाकी एग्जाम के लिए 3 महीने। ठीक, तो आपको जून से तो पढ़नी पड़नी है, तो अभी क्या है, मई है, तो आपको GA तो पढ़नी नहीं, तो आप क्या करोगे, इंग्लिश में RC रीडिंग स्किल्स नीचे लिखता हूँ, पहले मैं क्या करूँगा, आपको रीजनिंग पॉइंट को बताता हूँ, फिर उसके बाद इसका बताता हूँ इंग्लिश का। देखो आप कोशिश करोगे रीजनिंग के जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, उनको आप एक एक दिन में ख़त्म करो। ख़त्म करो मतलब एक्सपर्टीज़ को नहीं कह रहा, आप उनके कॉन्सेप्ट सीखो और उन पर मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओ, मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो जब कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 50 मिनट पढ़ ले फिर ब्रेक ले ले, 1 घंटा पढ़ ले फिर ब्रेक ले ले, ये आपके ऊपर है कि आप कब ब्रेक लोगे, आप कब एग्जॉस्ट फील कर रहे हो। ठीक है, अब कोई 3 साल से रोज़ पढ़ रहा है, रोज़ पढ़ रहा है, तो उसकी जो स्टडी की कैपेसिटी है ना, वो एक दिन वाले की तो नहीं होगी ना, ये हो सकता है कि 3 घंटे लगातार पढ़ लेता हो सकता है कि 10 मिनट भी ना पढ़ पाता हो, तो आपको अपने पर्सनल लेवल पर देखना कि आप कितनी देर पढ़ सकते हो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, जैसा सेकंड में है,
सेकंड में है, ठीक है। आपने सोचा कि आज मैं इनइक्वालिटी पढ़ूंगा, ठीक, रीजनिंग में ऊपर इनइक्वालिटी रह गया, बट वो भी पढ़ना है रीजनिंग, क्योंकि प्री मेंस दोनों में आता है। इनइक्वालिटी पढ़ूंगा तो आप वीडियो उठाएंगे, मेरी कॉन्सेप्ट देखेंगे, मेरी या किसी की भी, जिसका मन हो उसका, ठीक है, मैं नहीं कह रहा मेरी, देखो, ठीक। इनइक्वालिटी की वीडियो उठाएंगे, कॉन्सेप्ट वीडियो, ठीक है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया से देखा, पूरा जो समझ सकते हो ना जितना वो पूरा समझा। फिर उसके बाद में उसी टीचर के आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे कि वो अपने कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर रहा है, ठीक है, फिर आप अप्लाई करना सीखोगे, ठीक है। यह भी मैं एक ही दिन की बात कर रहा हूँ और एक फ्लो में, मतलब ऐसा नहीं कि आप ब्रेक ही नहीं लोगे जब तक आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, मतलब उसके बीच में कुछ और ना पढ़ो तो बेहतर है, ठीक है। अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अप्लाई कर लिया, करना सीख लिया, इसके बाद भले आप कुछ और पढ़ लो, बट जब तक आप कॉन्सेप्ट ना सीख जाएं और अप्लाई करना ना सीख जाएं, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा किसी भी टॉपिक के लिए कि आप उसको ना छोड़ें, उसका फ्लो ना तोड़ें, ठीक है। फिर माना कि आपने अप्लाई करना सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, चलो आपने क्वांट का कोई टॉपिक ले लिया, ठीक है, आपने सोचा कि अब मैं रेशियो प्रोपोर्शंस पढ़ लेता हूं, ठीक है, तो इसके साथ भी सेम करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है और अप्लाई करना है, अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। फिर आपने इतना कर लिया, फिर आप क्या करोगे ना, सेकंड मे को, सेकंड और थर्ड मे को और फोर्थ मे को, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, आप कितना पढ़ते हो, कितना ग्रेस्प करते हो, आगे भी कर लेना आपकी इच्छा है, बट मैं कहूँगा कम से कम टाइम में करने की कोशिश करना, ठीक है। आप क्या करोगे, इनइक्वालिटी के ढेरों क्वेश्चन करोगे, कई सारे क्वेश्चन करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप कर सकते हो वो आप एक साथ करोगे, ठीक है। और ऐसे नहीं कि एक ही तरह के क्वेश्चन करने हैं कि ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी, ये एक छोटी छोटी सीरीज के करते रहोगे बैठ के हज़ार क्वेश्चन, नहीं, आपको ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन करने हैं, मिक्स क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये सब मैं करवाऊंगा अगर आपको ना मिले भी तो, ठीक है, आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं, एक दो घंटा, तीन घंटा, जितना भी आपको जब तक लगे कि हाँ यार अब तो मैं बहुत आसानी से कर ले रहा हूँ कि मेरे को उसका फंडा समझ में आ गया, इनइक्वालिटी क्वेश्चन आपको तब तक करने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको रेशियो प्रोपोर्शन में जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। फिर जब तक आपके वो टिप पे नहीं बैठ जाए ना, मतलब आप जल्दी जल्दी करने लग जाएं, और कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आप एक एक दो दो दिन में कर लें, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है कि आप इनमें दो दो तीन तीन दिन दो। इनइक्वालिटी का तो मैं समझता हूँ एक दिन में आप बिल्कुल पहाड़ तोड़ने जितने वो हो जाओगे स्ट्रांग, कि घुसा मारा पहाड़ तोड़ दिया, इतना अच्छा टॉपिक है। स्लॉक्स में भी यही है, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और खूब प्रैक्टिस करी, लगातार प्रैक्टिस करने से एक अप्रोच बनती है, एक कला आती है, एक तरीका आता है क्वेश्चनों को देखने का। वही अगर आप चीज़ों को 10-10 मिनट करके तोड़ तोड़ के देखोगे ना, तो वो कला, वो अप्रोच, वो आप नहीं आ पाएगी। इकट्ठा हमारे एक मैथ्स के टीचर थे, जब हम 11th में थे ना, 11th में और 12th में, तो बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चन होते रहते थे, अच्छे अच्छे बच्चों से, तो वो बोलते थे आप एक टॉपिक उठाओ, ठीक है, आप एक टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में लगातार 3-4 घंटे उस पर क्वेश्चन करो, लगातार से 3-4 घंटे बोलते थे, मैं तो फिर भी आपकी कैपेसिटी के ऊपर बोल रहा हूँ, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के ऊपर, वो बोलते थे 3-4 घंटे लगातार क्वेश्चन बनाओ उसके ऊपर, फिर 3-4 घंटे बाद आप पाओगे कि आपने जो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट करी ना उस टॉपिक के ऊपर, वो अकल्पनीय है। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, हम 11th 12th में पढ़ने के प्रति इतने ज़्यादा वो थे, डेडिकेटेड, और क्या बोलूँ कि बच्चे करते भी थे, मैं भी करता था, ठीक है। मैं सेम चीज़ आपके साथ कह रहा हूँ, आप इनइक्वालिटी में कीजिए, इनइक्वालिटी में आप काम कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, और इनइक्वालिटी तो कैसे टॉपिक है, तो 3-4 घंटा कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों कर लोगे, वो भी जमा के, ठीक है, लगातार कीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, अरे यार ये तो मेरे को सीधे दिखने लग गया, अरे मेरी तो स्पीड बढ़ गई, अरे मेरे को बहुत बढ़िया हो गया, आप मुझसे खुद बिना बोले कमेंट करके बताओगे कि तू सही बोला था, ये 3-4 घंटे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे सर ने मेरे को बताया था, और भी बहुत बच्चे थे जिन्हें बताया था, पर्सनली मेरे कान में आके नहीं बताया था, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, तो आप ये कीजिए। फिर ऐसे करते करते ना आपको क्या करना है, आपने टॉपिक्स पूरा सीख लिया, स्लॉग सीख लिया आपने, मैं पहले ये नहीं कहूँगा कि आपने एक टॉपिक लिया और फिर उसको क्या करना शुरू कर दिया, मॉक देने लगे, नहीं, आप क्या करोगे, रीजनिंग के कुछ आसान आसान टॉपिक्स, सबसे देखो पजल्स और जो मैंने सेकंड रीजन बोला था ना, उसका तो उसको तो आपको सबसे पहले करना है, ठीक है, आपको इतना थोड़ा बहुत सीख लेना है उसको, क्योंकि इसकी तो डेली प्रैक्टिस चलेगी, डेली आपको करना है, बट अभी जो टॉपिक्स हैं, स्लॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, इनको आप रोज नहीं पढ़ने वाले ना, तो इसमें तो आपको एक ही बार पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि बिल्कुल कि यहाँ घुसा मारूँ तो यहीं पानी निकाल दूँ, भीम होता था ना, भीम गदा हमारे भीम, वो जहाँ घुसा मारते थे वहाँ पानी निकाल दिया करते थे, इतने पावरफुल पंच था उनका, तो वैसे ही आपको टॉपिक्स करना है। आपने क्या करा, पहले 3-4 टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है, आप क्या करो ना 15 मई तक ना, मैं कह रहा हूँ एक भी मॉक मत दो, अभी दे भी लोगे तो क्या उखाड़ लोगे, नंबर देख लोगे अपने सड़े से, स्पीड नहीं आ रही होगी, गलतियाँ कर लोगे तो क्या ही कर लोगे, ऐसे मॉक क्यों देने। आप क्या करो 15 मई तक बिल्कुल सेकंड वीक खत्म होने तक एक भी मॉक मत दो, आप टारगेट बनाओ कि स्लॉक्स मेरे को ख़त्म करना है, ठीक है, ख़त्म करना है मतलब प्री मेंस पूरा पढ़ना है, स्लॉक्स ख़त्म करना है, इनइक्वालिटी ख़त्म करनी है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ख़त्म करना है, ठीक है, तीन टॉपिक रीजनिंग को उठा लो, मैथ्स को उठा लो कि सीरीज पढ़नी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। अब देखो 6 टॉपिक हो गए 14 दिन के लिए, ठीक है, अब ये बहुत आराम से हो जाएंगे,
क्योंकि ये टॉपिक सब एक एक दिन वाले हैं। वैसे तो मैं इनको 6 दिन कहता और 2 दिन सीरीज में मान लो, ठीक है चलो 3 दिन मान लो सीरीज में, 3 दिन सीरीज में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 3 6 6 1 7 1 8, अब इन सबको मिलाकर चलो 2 दिन मान लो, 10 दिन का टॉपिक सिलेबस है जो आपको मैं 15 दिन में बोल रहा हूँ पढ़ने में, 14 दिन में, ठीक है आप इन 10 दिन के सिलेबस का 14 डेज में कंप्लीट करो अपना टाइम लेकर आराम से, ठीक। बट कंडीशन ये है कि कॉन्सेप्ट समझो और लगा के दबा के क्वेश्चन करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, मॉक दो, मॉक वन। आप देखोगे एक मॉक आज दे लो, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना अभी देख लो मॉक, वीडियो बाद में देख लेना, पहले मॉक देने जाओ, ठीक है मॉक दे लो पहले आप, मॉक वन, अपने मार्क्स देख लेना, ठीक है। और जो ऊपर मैंने 6 टॉपिक बोले ना उनका टाइम नोट कर लेना कि कितने टाइम में किए, ठीक है। फिर और क्या करोगे, कितने क्वेश्चन सही किए, करेक्ट क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चंस, इनको आप पूरा नोट करेंगे, ठीक है। और फिर मॉक वन आप अभी दोगे, जाके वीडियो पॉज करो, छोड़ो वीडियो मत देखो, पहले करके आओ, मॉक वन दे के आओ, इनमें टाइम देखना जो 6 टॉपिक मैंने ऊपर लिखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ आओ वीडियो पे मॉक देने के बाद, फिर जो मैं कह रहा हूँ अगले 10 दिन, 10 से 14 दिन दे रहा हूँ उसमें आप ये काम करो। फिर उसके बाद आप क्या करो, मॉक टू दो, मॉक टू, ठीक है। अब वापस आप टाइम, करेक्ट क्वेश्चंस और इनकरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनको कंपेयर कर लेना इससे इससे, अगर आपको ड्रास्टिक चेंज ना मिले तो वेरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, अनसब्सक्राइब एंड रिपोर्ट, बात खत्म, ठीक कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा, ठीक है। और जिनका ना ये 10 से 12 दिन में हो जाए, 8 दिन में हो जाए, आप क्या करेंगे इसके साथ में, आप क्या करेंगे अल्फा न्यूमेरिक लगाएंगे, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है अल्फा न्यूमेरिक आप कंप्लीट कर लीजिए, और जो बाकी बचेगा टाइम उसमें आप पजल्स की काउंट बढ़ा दीजिए, ठीक है पजल्स बढ़ा दीजिए, पजल्स से सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो आपने इतना पढ़ लिया, फिर अब मैं क्या कहूँगा ना आपसे कि आप अगले 15 दिन के लिए, नेक्स्ट 15 डेज में क्या करेंगे आप, एवरेजेस, एवरेज नहीं, रेशियन प्रोपोर्शन, रेशियन प्रोपोर्शन, ठीक है परसेंटेज, और काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं वैसे बट 15 दिन में बहुत ज़्यादा होता है, और रेशियोस, रेशियो कितना लिखूँगा, एवरेज, ये 3 टॉपिक। और रीजनिंग में, क्वांट में, रीजनिंग में आप क्या करोगे, रीजनिंग में आपके पास ऐसा क्या बचा कि आप जो नहीं करा हुआ आपने, चाइनीज कोडिंग, कोडिंग, ठीक है 30 मिनट्स डेली के, ऊपर के जो बाकी टॉपिक है ना, स्लॉक्स, इनइक्वालिटी, ये आप काम करो, 30 टॉपिक्स, 30 मिनट छोड़ो, 5 क्वेश्चंस ईच कर ले फटाफट से कर लेना, जो हमारी प्लेलिस्ट है, ठीक है स्लॉक्स, इनइक्वालिटी और अल्फा न्यूमेरिक, इनको देना, ठीक है ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है 15 मिनट, 5 5 क्वेश्चन, 5 5 10 10 15, ठीक है। और इनके तो एक एक ही सेट लगा लेना, 3 3 क्वेश्चन होंगे शायद, 3 या 2 क्वेश्चन, ठीक है ये क्वेश्चन आप कर लेना, आपको हार्डली 30 मिनट्स लगेंगे, ठीक है 15 दिन बाद आपको ये रोक देने, इनमें से आपको कुछ नहीं करना, ये सारे टॉपिक आपके बिल्कुल मास्टर हो जाओगे आप इनमें, ठीक है। रीजनिंग आप सोचो कि ऑलमोस्ट खत्म, क्योंकि पजल तो आप 1 घंटा मेरे साथ ही लगा रहे हो ना, एक पजल को डेली सेट लगा रहे हो, साथ में टॉपिक कर लोगे, 15 शुरू के जो 15 दिन है इसमें आपको रिग्रेस करके बढ़िया से पढ़ना है, अगले 15 दिन में आपको केवल इनके 5 5 2 2 4 4 क्वेश्चन लगाने हैं डिपेंडिंग ऑन योर विश, ठीक है। फिर इसमें चाइनीज कोडिंग करनी है आपको और पजल्स की काउंट बढ़ा देनी है अगले 15 दिन में, ठीक है यहाँ लिख ही देता हूँ, प्लस पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो आपने इन 15 दिन में आप क्या करोगे कि आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, ठीक है। फिर आप मॉक लगाओगे, मॉक नंबर 3, ठीक है उसमें क्या करोगे आप, आपने देखो कितने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, अब रीजनिंग की बात करते हैं, क्वांट की, रीजनिंग में वो 6 टॉपिक पढ़ लिए, अब 7वां ये पढ़ लिया आपने चाइनीज कोडिंग, 8वां आपने पजल्स पढ़ लिया, ठीक है क्योंकि 15 15 30 दिन हो गए ना, मिनिमम एक पजल लगाए तो 30 पजल तो हो ही गए, एक पजल तो मेरे साथ लगा रहे हो, एक खुद भी तो लगाओगे तो 60 पजल हो गई, ठीक है पजल्स या वो, ठीक इतने टॉपिक वो हो गए, स्पीड मैथ हो गई, ठीक है फिर रेशियन प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है मैक्सिमम पोर्शन आपने कवर कर लिया कब, मई में, ठीक है ये आपके सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन है, ठीक है आपने कवर कर लिया। अब आपने मॉक 2 दिया, ठीक है मॉक 3 दिया, फिर आपने फिर से क्या देखा, टाइम देखा, टाइम कंपेयर करना है आपको, टाइम मॉक 1 का, मॉक 2 का, मॉक 3 का कलेक्टिव टाइम नोट करना कि स्लॉक्स में मैंने कितने 5 क्वेश्चन करने कितना टाइम लगाया था, अलग अलग एक एक क्वेश्चन पे नहीं, ठीक है इनइक्वालिटी को करने के लिए मैंने कितने टाइम लगाया था मॉक 1 में, मॉक 2 में, मॉक 3 में, ठीक है। और अलग से पेपर पे लिख लेना, स्क्रीनशॉट्स मत लेकर रखना, वो कभी नहीं देखे जाते, ऐसे पढ़ रहते हैं, ठीक है टाइम हो गया, स्पीड तो हो गई, स्पीड के अंदर टाइम ही है, फिर आपको क्या देखना है, आपको देखनी है एक्यूरेसी कि कितने सही है कितने गलत, करेक्ट क्वेश्चंस की काउंट देखनी है और इनकरेक्ट की क्वेश्चन की काउंट देखनी है, ठीक है इन सब में आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा, ठीक है। और DI तो हम रोज करवा रहे हैं, DI प्री की और मेंस की,
ठीक है, मेंस की रोज करवाए रहे हम, तो आप जो मॉक दोगे ना उसमें डीआई भी करोगे, ठीक है, ये स्पीड मैथ के क्वेश्चंस भी करोगे, ये भी करोगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस मई में अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, मतलब राइटिंग स्पीड में आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये आपको पता है, कम से कम लिखना है, ज़्यादा से दिमाग सॉल्व करना है, ठीक है, स्पीड मैथ स्पीड रीडिंग आपने कर लिया अच्छे से, पजल्स आप रोज़ की एक मेरे साथ लगाओगे, दो एक खुद लगाओगे, मिनिमम बोल रहा हूँ एक खुद अपने साथ। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको 3-3 घंटे बैठ के देने हैं, और अगले 15 दिन में तो मैंने आपको केवल चाइनीज कोडिंग दिया है, और 10 5 5 क्वेश्चन इनके के दिए हैं, तो आपके पास रीजनिंग टाइम ही टाइम है ना, तो 2-2 घंटा अगर लगाओगे ना आप, तो जो आप मॉक 3 दोगे किस में, मे एंड में, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप इतना कर पा रहे होगे कि आप कोई भी प्री निकाल लोगे, कोई भी प्री, मैं बोल रहा हूँ कोई भी प्री। अभी तक इस साल की जो हाईएस्ट कट ऑफ थी वो थी एस बी आई पी ओ की 59.25 थी, इससे ज़्यादा मार्क्स पा रहे होगे आप, ठीक है, ये मैं लिख के एश्योर करता हूँ मे के एंड में। फिर आपको क्या करना है जून में, जून में आपको क्या करना है, देखो स्लॉक्स वाला वो सारी कहानी मैंने ख़त्म कर दी, वो आपको कुछ नहीं करना, वो आपको केवल किस में करना है, मॉक्स में, ठीक है, उसके अलावा आपको उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, मॉक्स में आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आप देखो हफ्ते में वीक में एक मॉक तो दोगे, मिनिमम एक मॉक आप दोगे, मैक्सिमम आप दो दो, मैक्सिमम दो मिनिमम एक, ठीक है, ज़्यादा मॉक दोगे तो आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, मिनिमम एक मैक्सिमम दो मॉक आप देंगे, और अगर आपकी ज़्यादा ही मन की इच्छाएं हैं मॉक देने की तो दो से तीन आप सेक्शनल मॉक दे सकते हैं मिला के, तीन में इसलिए बोल दिया कि एक सब्जेक्ट एक का, ठीक, हद हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्यों, हमको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, मॉक्स का क्या है, मैं तो आज तक मॉक नहीं दिए, अगर मैं अभी मॉक दे दूंगा ना तो मुझे लगता है कि मैं तो 70% से ज़्यादा नहीं आएगी, आती भी नहीं थी, बट सारे प्री दिए हैं, सारे प्री क्लियर किए हैं, मेंस निकाले हैं, इसलिए मॉक को अपना बिल्कुल वो मत समझ लेना कि मॉक्स में नहीं आए तो नहीं आ रहे, मैं एग्जांपल हूँ, 70% भी मेरी परसेंटाइल नहीं आएगी अगर मैं आपको अभी मॉक करके दिखा दूँ तो, ठीक है, और सारे प्री आप कहो तो सारे मेंस के मैं वो दे दूँ आपको, एडमिट कार्ड की फ़ोटोज़ तो शायद नहीं होंगी, मेल आए होंगे, मेल के स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, कर सकता हूँ मैं, ठीक। तो आपको क्या करना है जून में, जीए पढ़ना है आप डेली का, जीए अफेयर्स क्लाउड से कैसे पढ़ना है उसकी पूरी वीडियो है, ठीक है, वापस रिपीट नहीं करूँगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। इंग्लिश को आपको डेली का कुछ ना कुछ पढ़ना ही है, 1 से 2 घंटे आप डेली इंग्लिश को देंगे, क्यों, ये मैंडेटरी है, जैसे पजल्स मैंडेटरी है ना रोज़ की, वैसे इंग्लिश 1-2 घंटा मैंडेटरी है, पूछो क्यों, कितने नंबर का आई पी एस पी ओ की बात करें तो 25 नंबर का आता है डिस्क्रिप्टिव, 40 नंबर की आती है इंग्लिश मेंस में, 65 नंबर का हो गया इंग्लिश का रोल मेंस में, 30 नंबर हो गए प्री के, ठीक है, तो कितने हो गए 95 मार्क्स हो गए इंग्लिश इंग्लिश के दोनों में मिला के, तो एक घंटा आपको इंग्लिश को देना ही देना है, और वो कैसे देना है, जल्दी से आप क्या पढ़ोगे, एक कोई जल्दी से एक साथ बैठ के नहीं कि साथ साथ मुझे एडिटोरियल पढ़ना है, नहीं, ये सारे पढ़ने पढ़ाने वाले काम आप अपने जो छोटे छोटे टाइम्स हम चुरा के पढ़ते हैं ना, कि हमने ब्रश कर रहे थे तो पढ़ लिया कुछ, मैं आजकल 2 किताबें पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कैसे पढ़ता हूँ, ब्रश कर रहा हूँ तो पढ़ लिया, कि नहाने के लिए बकेट भर रही है तो पढ़ लिया, या किचन में खाना लेने गया हूँ गर्म कर रहा हूँ तो पढ़ लिया, ऐसे जो आप टाइम चुराओगे उसमें आपको क्या पढ़ना है एडिटोरियल, ठीक है, खुद से पढ़ना है, नहीं आता तो यूट्यूब पे टीचर बहुत सारे पढ़ाते हैं, सीख लो जाकर उनसे, उसके बाद खुद पढ़ोगे, उसके बाद मैं ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ने कह रहा, क्योंकि आप न्यूज़ भी तो पढ़ोगे यार अफेयर्स क्लाउड से या डिफरेंट सोर्सेज से, वो भी तो रीडिंग ही है, ठीक है, वो थोड़ी ना गलत इंग्लिश लिखेंगे कि इंग्लिश के टीचर नहीं है, तो ठीक है रीडिंग करनी है, आर सी आपको डेली करना है, क्यों, 10 नंबर तो देता है प्री में, और मेंस का तो ये मैं मानता हूँ 60% से ज़्यादा पोर्शन आर सी का ही होता है, ठीक है, और जिसकी आर सी अच्छी होगी वो पैराजम्बल, ठीक है, पैराजम्बल क्लोज टेस्ट वो सब बढ़िया कर पाएगा, ठीक है, इसीलिए आर सी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर सी को समझना, और जिसकी आर सी बढ़िया होगी वो क्रिटिकल रीजनिंग में बढ़िया करेगा, ठीक है, तो डेली आपको क्रिटिकल रीजनिंग पे वो आर सी पे तो काम करना है, इंग्लिश पे काम करना है 1 से 2 घंटा, बहुत ही कमज़ोर हो तो अपने हिसाब से टाइम बढ़ा लेना, रीजनिंग में थोड़ा टाइम कम कर देना, ठीक है, तो 1 घंटा करना है, 1 से 2 घंटा हमको पढ़नी है इंग्लिश, ठीक है, 1 से 2 सेट लगाने हैं डी आई के प्री के, ठीक है, 1 से 2 मेंस के सेट लगाने हैं डी आई के, तो मैं समझता हूँ ये करने में आपको दोनों काम करने में एक दो दो सेट मान के चलूँ ना, दो इसके तो 1.5 से 2 आवर्स में हो जाएंगे, ठीक है, तो देखो 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए, 4 घंटे आपके किस में हो गए, इंग्लिश और डी आई में, और 4 घंटे हो गए इंग्लिश प्लस डी आई में, ठीक है, और 1 से 2 घंटा आप लगाएंगे पजल्स, और पजल्स में 1 से 2 घंटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप मई से रोज़ लगा रहे हो ना 1-2 घंटा, तो इसलिए, और आखिरी के बीच के 15 डेज में तो आपने बहुत पजल्स लगाई हैं, ठीक है, इसलिए मैं 1 से 2 घंटा कह रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटा कह लो या 1 से 2 घंटा कह लो, आपकी इच्छा है, बट सेम टाइप के सेम डिफिकल्टी लेवल के नहीं लगाने रोज़, अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना है या अच्छे वैरायटी क्वेश्चन लगाने हैं, तो मोटा मोटा आपके 6 घंटे जो हैं वो बुक हो चुके हैं कब से, जून से, ठीक है, और इसी में ना आप 6.5 घंटा कर लो जीए भी लगा लो, ठीक है, 6.5 घंटा आपको बुक हैं रोज़ वाले जून से, तो आपके पास कितने बचे,
तीन से 3 घंटे बचे, 3 घंटे तो पढ़ोगे यार, 10 घंटे तो पढ़ लोगे, 3 आवर्स बचे, ठीक है। अब 3 आवर्स में आप क्या करोगे, आपको करने बाकी के टॉपिक, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग वैसे मैंने बोल दिया था उसमें करनी है, बट इनके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपको क्वांट के जितने बाकी टॉपिक बचे हैं वो आपको डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके देने हैं। देखो अब बाकी जो 3 घंटा बचे इसमें तो आपको यही करना है ना कि 3 घंटे की सीधे मैथ ही लगा लो, एक टॉपिक लगा लो, ठीक है। तो मतलब एक एक टॉपिक आप एक एक दिन में ख़त्म कर लो। तो मैं मान के चलता हूँ 20 जून तक आप सिलेबस अपना पूरा ख़त्म कर लोगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, और अच्छा सैटरडे और संडे को आपको क्या करना है, ये केवल 5 दिन की बात है। सैटरडे और संडे को आपको क्या करना है, अगर आप मॉक देते हो तो सैटरडे को, हफ्ते में एक मॉक दे रहे हो तो सैटरडे को दो, ठीक है। और बाकी का टाइम क्या करोगे, रिवीजन और इन मॉक्स का एनालिसिस कि मेरे कहाँ गलत हुए, कितने गलत हुए, कौन से टॉपिक मुझे काम करना है, जो क्वेश्चंस गलत हुए उन्हें अलग जगह लिखना है या इनके अलग से स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, ये सारा काम आप सैटरडे संडे करोगे। और साथ में जीए का टोटल रिवीजन पूरे हफ्ते का इस सैटरडे संडे को ही होगा, ठीक है। इन दिन संडे को कोई करंट अफेयर्स नहीं आती है, सैटरडे को आती है, तो संडे को आप पूरा रिवीजन करोगे करंट अफेयर्स का, ठीक है। इन डेप्थ कैसे पढ़नी है, पूरी अफेयर्स स्लॉट को कैसे यूज़ करना है, प्रैक्टिस मॉक के साथ कैसे यूज़ करना है, बाकी सोर्सेस कैसे यूज़ करना है, ये सब एक वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो इतना आपने पढ़ लिया, आप कहोगे प्रैक्टिस कैसे करनी है, बट ये तो बता दे। देखो 2023 चल रहा है, 2022 के सारे मॉक्स फुल लेंथ प्लस सेक्शनल सब खुले पड़े हैं, सब ओपन है। क्या करना है, सबमिट करना है। अब बैठ के सारे सबमिट करने मत बैठ जाना, एक एक सबमिट करना, दो दो सबमिट करना और करना। जैसे आपने क्या करा उसके लिए तो आप चिंता मत करो, स्पीड में तो स्पीड रीजनिंग के लिए वो तो मैं आपको बहुत देने वाला हूँ। फिर भी आप क्या करोगे, आपने मॉक प्री का लिया मॉक, ठीक है, आपने सबमिट कर दिया, उसमें आपने शुरू के 15 दिन पढ़े थे तो आपने 6 टॉपिक पढ़े थे ना, तो उस मॉक के वो टॉपिक दे लिए, उनके क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अगर आप इकट्ठे नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे, मॉक सबमिट करा, स्लॉक्स पढ़ लो, स्लॉक से क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। और बाकी जो मैंने टॉपिक बताए इनके स्क्रीनशॉट्स ले लिए, ठीक है। जब टाइम मिला उनको 6 फोल्डर में डिवाइड करके रख दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको दोबारा वो मॉक उन टॉपिक के लिए खोलना नहीं पड़ेगा। फिर मॉक 2 खोला, स्क्रीनशॉट्स ले लिए बाकी के और स्लॉक से सारे क्वेश्चन लगा लिए। मॉक 3 खोला, स्क्रीनशॉट्स ले लिए और वो लगा दिए। ऐसी प्री के करने, ऐसी मेन से करने, पिछले साल के जो मॉक्स हैं उनका पूरा यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट्स लेने में इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन का, जिससे कि आपको वापस बार बार ढूंढना ना पड़े। आपने क्या करा कि जब आप बाहर निकले हो, घूमने निकले हो, तो क्या करा, कितनी देर लगती है एक फोल्डर दूसरे फोल्डर मूव करने में, कर दिया आपने जब समय मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा फंस जाओगे तो कॉन्सेप्ट वदनम हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर, अपने डाउट्स भेज देना, कॉन्सेप्ट वर्धनम, ठीक है। और अगर मुझे टैग करके आप बोलोगे कि सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, कहाँ पे, चैनल पे, यूट्यूब पे, ठीक है। ऐसा नहीं केवल रिटर्न सॉल्यूशन बालक ही देंगे, वीडियो सॉल्यूशन मैं भी दूंगा, ठीक है। मेरे को लगता है कि मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, कुछ और ध्यान आएगा तो बता दूंगा। बस एक चीज़ जो है वो जो बची है वो इंग्लिश में है। इंग्लिश में क्या बचा, इंग्लिश में बचा है वो आते ना स्पॉटिंग, स्पॉट द एरर, तो कर ले फटाफट में। मैं रोज़ मिनिमम 5 एरर लाए करूँगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन मिनिमम लाया करूँगा, और वहीं पे देन एंड देयर एरर कौन सा है, क्यों है, बता दूंगा, ठीक है। अगर रोज़ 5 लाऊँगा, और कितने महीने हैं अपने पास, 3 महीने हैं, मतलब 90 दिन है, 90 × 5 450 एरर आपके पास होंगे, चलो 450 छोड़ो, 400 एरर होंगे, ठीक है, 400 एरर की क्वेश्चन होगी। मेरे ख्याल से ये बहुत ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसमें आप बात कर सकते हो स्लॉक्स के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, अल्टरनेटिव्स आएंगे, ठीक है, सीरीज के डेली आएंगे, डेली क्यों, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डेली, ठीक है। वैसी जो स्पीड मैथ है ना, मैं 10 क्वेश्चन आपको मिनिमम रोज के मिलेंगे, स्पीड मैथ या स्पीड रीजनिंग को मिला के, ठीक है, प्लस 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रीजनिंग इंग्लिश के हो गए, ठीक, कर ले फटाफट में, तो ये आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो एक मोटा सा 1-2 मिनट में समराइज कर देता हूँ, आपको पढ़ना क्या है, आपको टॉपिक लेना है, ठीक है, टॉपिक मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कैसे कैसे लेने हैं, ठीक है। आपको ये करना है 2 से 3 घंटा 4 घंटा डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, ठीक है, आपके मन इच्छा व्यवहार के अकॉर्डिंग आपको 2 से 3 से 4 घंटा लगातार वो टॉपिक पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, स्टडी प्लस प्रैक्टिस, ठीक है। इसके फायदे अलग ही होते हैं लगातार बैठने के, आप खुद नोट करोगे, खुद ऑब्जर्व करोगे और मुझे बताओगे कॉमेंट में, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद में 2 से 3 घंटा आप टॉपिक लोगे, इस पर पढ़ाई करोगे, ठीक है। इनिशियली तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, बहुत बढ़िया टीचर है, कोर्स आपके पास में तो उनसे कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे का तो टॉप जो कंटेंट है वो कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर दे रहा है। उसके बाद में आप क्या करोगे, प्री प्लस मेंस के जो मॉक्स है ना 2022 वाले सबमिट करोगे, ठीक है, जो टॉपिक लिया है आपने उसको उसको देन एंड देयर सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बाकी आप क्या करोगे,
जो जो 6 टॉपिक या 8 टॉपिक 10 टॉपिक मैंने ऊपर लिखे हैं आप उनके स्क्रीनशॉट्स लोगे और उनको अपने फ़ोन में रखोगे। इससे क्या होगा कि आपको एक मॉक में बार बार क्वेश्चन ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपके पास वो होंगे। ठीक है, तो आप एक काम करें, अगर आपको ये 2-3-4 घंटे का कंटेंट भी नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि समझाने बहुत देर लगती है, तो हो सकता है कि 2 घंटे का समझाया हुआ और 10-15-20 मिनट में आधे घंटे में कर लो, आप क्या करो प्री के 5 मॉक सबमिट कर दो, ठीक है, या 10 के 10 कर दो, डिपेंडिंग ऑन योर विश सबमिट कर दो, मेंस के भी आप सबमिट कर दो। ठीक है, फिर जो टॉपिक आप प्रैक्टिस कर रहे हो कर या पढ़ने वाले हो, पढ़ने से पहले कह रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको आप एक जगह ले लो और बाकी जो है उनको आप एक साथ पढ़े रहने दो, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेके, फिर आप एकदम तुरंत तुरंत यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आपको मतलब प्रैक्टिस करनी है, आप इनका यूज़ करें, बहुत बेहतरीन है ये। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक ले लो, ऑली बोर्ड ले लो, जोन सा भी है आपकी मर्जी, आप क्या होगे तो कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, जो मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कौन सा मॉक लेना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो धनाधन। ठीक है, मॉक कैसे दिए वो भी बताया। ठीक है, जून आते ही, जून तक हम बात कर चुके थे ना, जून में आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, वीक में या 2+2 वीक में एक मेंस का मॉक दो, ठीक है, पूरा दिन लग जाएगा इसी में एक मॉक में, ठीक है, क्योंकि 15 दिन तक हमने वो कर लिया था। ठीक, फिर जुलाई, जुलाई में एक डेली मेंस, एक क्यों कह रहा हूँ मैं, एक मॉक मेंस का पर वीक आप दोगे, ठीक है, और एनालिसिस करोगे। ठीक है, अब जुलाई आ गया तो आप 2 मॉक दे सकते हो प्री के पर वीक, ठीक, 3 मॉक हो गए, इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा शुरू शुरू में, तो बाद में कम होता चला जाएगा। ठीक है, और जो बाकी टाइम बचेगा आपका उसमें अगर आपके जून तक, मई जून में 2 महीने में 2 मंथ्स में आपके कोई टॉपिक रह गया है वो आपको कंप्लीट करना है विद इन 7 डेज, ठीक है, विद इन 7 डेज, वैसे तो 2 महीने में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बचने नहीं चाहिए थे, बट विद इन 7 डेज चलो ले लो। फिर आप क्या करोगे 8 जून से 31 जुलाई तक, ठीक, आपको क्या करना है, आपको करना है रिवीजन हर टॉपिक का, ठीक है, टॉपिक वाइज। और अब रिवीजन कर रहे हो आप तो ये आपको 3 दिन 2 दिन 4 दिन ही लगेंगे टॉपिक में, आप करोगे बहुत फटाफट रिवीजन, ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म करना है, उड़ाना है, ठीक है, तो इस तरीके से रिवीजन करोगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको अब सब बता दिया है, कुछ नहीं बचा ऐसा जो मेरे को बताना था नहीं बता पाया, और अगर आपके कोई डाउट्स हों आपको पूछने हो तो आप क्या करेंगे कमेंट में मुझसे पूछेंगे या टेलीग्राम पे पूछेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, और कॉन्सेप्ट वीडियोस अपनी चालू हो जाएंगी बहुत ही जल्दी, बस एक बार टैबलेट आने की देरी है। ठीक है, और अपनी डाउट्स आप भेज सकते हैं हमें कहाँ, कॉन्सेप्ट वदनम पे। तो अब मैं समझ पा रहा हूँ इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 180 डेज टू बी PO, क्योंकि प्री मेंस तैयारी 7 होगी। ठीक है, और हमेशा जो IBPS PO का पेपर होता था ना वो होता था नवंबर के लास्ट वीक में, 4th वीक में, कोरोना काल को छोड़ के। ठीक है, और इस बार नवंबर के 1st वीक में हो रहा है। ठीक है, तो पूरे पूरे 20 दिन कट कर दिए इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए हमको और पहले से जल्दी से रेडी होना है। ठीक है, अब थैंक यू, एंड जो भी डाउट हो फिर से बोल रहा हूँ एक बार, आपने भेज देना आप, और खूब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए।